हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद इस्माइल, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इमरान पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलबर्गा। डियर फ्रेंड्स, हम एमकैट लैब के बारे में सीख रहे हैं। एमकैट लैब सीख रहे हैं जो कि थर्ड सम मैकेनिकल के लिए है। इस लैब में हम अब तक पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट सी का एक्सपेरिमेंट जो के है असेंबली मॉडलिंग। असेंबली मॉडलिंग में सबसे पहले हम जिस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जर्नल बेयरिंग। जर्नल बेयरिंग बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बॉडी और एक है शाफ्ट। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे बॉडी ड्राइंग के बारे में। ये है बॉडी का टॉप व्यू और सॉरी बॉडी का फ्रंट व्यू है और ये बॉडी का टॉप व्यू है। तो इस वाले सबसे पहले बॉडी ड्रॉ करने के लिए आप सॉलिड एज ओपन करें, उसके बाद सॉलिड पार्ट क्रिएट मेनू में सॉलिड पार्ट सेलेक्ट करें। देन जब सॉलिड पार्ट ओपन हो जाए इसमें आपको प्रोट्रूजन सेलेक्ट करना है। देन प्रोट्रूजन कमांड सेलेक्ट करने के बाद टॉप प्लेन को सेलेक्ट करें। देन उसके बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करें। रेक्टेंगल में आपको विड्थ देना है 230 एंड हाइट इज 76। एंटर, एंगल 0 डिग्री, ला के क्लिक करें। देन लाइन कमांड लें, इस वाले लाइन के सेंटर पॉइंट से अपोजिट वाले लाइन के सेंटर पॉइंट पे एक लाइन एक्स्ट्रा लाइन क्लिक करें, ड्रॉ करें। देन कंट्रोल ए दबाएं, देन मूव कमांड और ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके सेंटर पॉइंट को लेकर इस तरह से ऑब्जेक्ट को मूव करें। देन सेलेक्ट कमांड लेके ये वाली लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन जो ड्रॉ की थी उसको क्लिक करके डिलीट कर दें। देन रिटर्न, रिटर्न जाकर हमें डिस्टेंस देनी है 26। एंटर, स्क्रीन पे क्लिक करें, फिनिश। देन हमें देन अगेन प्रोट्रूजन कमांड लें, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में लाइन कमांड लेकर इस वाले सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करनी है 60 mm की, एंगल 90 डिग्री, स्केप। देन सर्कल, सर्कल का डाया शुड बी 96 mm का सर्कल लें। इस वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट को इस वाले लाइन के एंड पॉइंट पे लाके क्लिक करें। देन अगेन सर्कल कमांड लें, इन सर्कल कमांड लें, डायमीटर 64 mm। एंटर, इस वाले डायमीटर को भी सेम इस वाले लाइन के एंड पॉइंट पे लाके क्लिक करें। देन स्केप, सिलेक्ट कमांड लेकर जो एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको क्लिक करें और डिलीट कर दें। देन एग्जिट, उसके बाद प्रोट्रूजन सिमेट्रिक एक्सटेंट को क्लिक करें और डिस्टेंस में दें 100 mm। एंटर, देन फिनिश, प्रिंट, फिट, फिट, फिट कमांड पर सेलेक्ट क्लिक करें। देन देन ये वाला राउंड टूल को सिलेक्ट करें, रेडियस 5 mm, इस वाले एज को सिलेक्ट करें। देन रोटेट कमांड लें, जेड पे इस तरह से क्लिक करके इसको बगैर बटन छोड़े के इसको इस तरह से मूव करें। एंड अगेन राउंड कमांड लें, 5 mm, इस वाले एज को क्लिक करें और यहाँ पे एस मार्क करें, इसमें को क्लिक करें, प्रीव्यू, फिनिश। और यहाँ पे नेम्ड व्यू में जाएं, डायमेट्रिक सेलेक्ट करें, ये आपको ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगा। फिट करें और हमें यहाँ पे दो होल डालने हैं, उसके लिए होल कमांड ये वाला फेस सेलेक्ट करें, फिट। दोनों होल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लाइन कमांड लें, इस वाले एक्सिस लाइन के सेंटर पॉइंट से इस तरफ 79 mm, इस तरफ 79 mm लाइन एंड एक्सिस 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, और इस तरफ 79 mm, एंगल 180 डिग्री। अब होल कमांड लें और यहाँ पे होल सर्कल, होल ऑप्शन को क्लिक करें, कोई विंडो पॉपअप होगा इसमें टाइप सिंपल ले लें, डायमीटर 20 mm, 20 mm का डाया, ओके।
एक बार सर इस तरफ क्लिक करें, अगेन पहले लाइन के एंड पे क्लिक करें, सेलेक्ट कमांड लें, इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, देन रिटर्न। इस बार यहाँ पे होल थ्रो ऑल सेलेक्ट करें, नीचे की तरफ क्लिक करें, ट्रॉफी में देखें जैसा कि आपको दोनों होल नज़र आ रहे हैं। बाद डायमेट्रिक लें टू ऑल, इसको सेव करें, फिनिश, कैंसिल, फाइल, सेव एज। सेव एज में आप सबसे पहले विंडो फोल्डर क्रिएट करें, फोल्डर का नाम होगा जर्नल स्पेस बेयरिंग, एंटर, एंड पार्ट का नाम होगा बॉडी, एंटर, एग्जिट। देन एग्जिट। अब हमें ड्रॉ करनी है शाफ्ट। शाफ्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सॉलिड एज ओपन करें, सॉलिड में क्रिएट मेन्यू में सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। इसके बाद हम लेंगे रिवॉल्व प्रोट्रूजन एंड फ्रंट व्यू। इसके बाद ये वाले लाइन के सेंटर पॉइंट से बैक साइड 130 mm, एंटर, एंगल -180, एंटर, देन ऊपर की तरफ 64/2, एंटर, एंगल 90 डिग्री, एंड अंदर की तरफ 130, एंगल 0 डिग्री, देन ऊपर की तरफ। ओके, इसको यहाँ पे क्लिक करें। अब ये वाले लाइन के एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको लेना है 80/2, एंटर, एंटर। इस तरफ आपको लेना है 20 mm, एंगल 0 डिग्री, देन इस वाले लाइन के पैरेलल में जो कि है 8 mm, एंगल -90 डिग्री, देन 20 mm, एंगल 0 डिग्री, और तो इस तरह से एक्सिस पे ला के मिलाएं और इस वाले लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। सेलेक्ट कमांड लें, इस वाले लाइन को डिलीट कर दें। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, सो इस वाले पॉइंट के एंड पॉइंट से ये वाले लाइन के एंड पॉइंट को मिला दें। अगेन एक्सिस रेवोल्यूशन को सेलेक्ट करें, रिटर्न, थ्री रिवॉल्व प्रोट्रूजन 360 क्लिक करें, फिनिश। ये हो गया आपका शाफ्ट रेडी। इसको आप फाइल मेनू में जाएं, सेव एस करें, सेव एस शाफ्ट, सेव सेव, इसको क्लोज करें। अब हमें इन दोनों की असेंबली रेडी करनी है। असेंबली रेडी करने के लिए आप सबसे पहले सॉलिड एज में जाएं, सॉलिड एज में क्रिएट मेन्यू के अंदर आपको असेंबली सेलेक्ट, असेंबली टूल सेलेक्ट करना है। असेंबली टूल जब आ जाए, ओपन हो जाए, उसके बाद आपने जहाँ पर आपके फाइल्स क्रिएट सेव करके रखे हैं वो वाला फोल्डर ओपन करें, जनरल बेयरिंग। जनरल सबसे पहले आप बॉडी को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, देन अगेन शाफ्ट को भी उसी तरह से सिमिलरली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, देन असेंबली, असेंबली टूल पे क्लिक करें, ये वाले बॉडी के सिलेंडर को क्लिक करें और ये वाले सिलेंडर के बॉडी के अंदर के होल को, सिलेंडर इन बॉडी को क्लिक करें, देन फ्लिप, लॉक रोटेशन करें, अगेन सेलेक्ट कमांड लें, दोबारा से असेंबली कमांड, असेंबली कमांड लेकर कि असेंबली नहीं हो रही इसलिए कंट्रोल जेड, दोबारा से असेंबली करते हैं। सबसे पहले असेंबली कमांड लें, ये वाली
इस तरह से माउस का आइकॉन आने तक इंतज़ार करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, आपको फेसेस में नज़र आएंगे। ये वाला फेस एज प्रोट्रूजन वन को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसको ये वाले एज पे क्लिक करें। इस तरह से आपकी असेंबली कंप्लीट हो गई। अगर आपको सेक्शनल व्यू दिखाना है तो सबसे पहले आप सेव करें फाइल, सेव एज जर्नल बेयरिंग, सेव। ओके, अगर एग्जामिनर ने, अगर आप इसमें सेक्शनल व्यू दिखाना चाहें तो व्यू, व्यू के अंदर सेक्शन, सेक्शन सेलेक्ट करके आप फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करें, फिट के बाद इस तरह से आपको अगर हाफ सेक्शन, राइट हाफ सेक्शन दिखाना है कि सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करें, स्ट्रेट ऊपर की तरफ लाइन, देन सब स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन, और ऐसे बॉक्स रेडी करें, ला दें, देन रिटर्न, अंदर की तरफ क्लिक करें, उसके बाद इस तरह से बाहर की तरफ क्लिक करके प्रीव्यू दिखाएं, फिनिश। ये हो गया आपका सेक्शनिंग रेडी। सेव करें, उसके बाद फाइल, अगर इसका आपको प्रिंट आउट दिखाना है तो फाइल, फाइल में जाकर क्रिएट ड्राइंग करें, देन ओके, नेक्स्ट फ्रंट व्यू, नेक्स्ट आप, यह है आपका फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड टॉप व्यू, फिनिश। सब इसको लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करें और फाइल शीट सेटअप में जाएं, A4 शो बैकग्राउंड, ओके। आपका जो ड्राइंग है वो आपके शीट के बाहर चला गया है, तो उसके लिए आप पूरा कंट्रोल ए दबाकर कंट्रोल को सेलेक्ट करें, उसके बाद स्केल, स्केल कमांड लेके इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट को स्केल करें, देन मूव टू सूटेबल पोजीशन, देन फिट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली फिट। ओके, अगर आप इसमें सेक्शनिंग दिखाना चाहते हैं, फ्रंट व्यू सेलेक्ट, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन वन को चेक करें, ओके, देन अपडेट व्यू, आपका सेक्शनिंग नज़र आ जाएगा। कुछ अगर डायमेंशनिंग दिखानी है तो डायमेंशन देखिए, आपको जो जो डायमेंशन दिखानी है वो डायमेंशन दिखा सकते हैं। अगर आपको सेंटर लाइन दिखानी है तो इस तरह से सेंटर लाइन दिखा सकते हैं। एक्सेस लाइन दिखा सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। अगर आपको नाम, वीव का नाम देना है तो लैडर सेलेक्ट करें, ठीक है, सेव करें एज जनरल बेयरिंग डॉट DFT ड्राफ्ट, सेव। प्रिंट करना चाहें तो कंट्रोल पी दबाकर प्रिंट निकाल सकते हैं या एग्जिट करें। तो इस तरह से आज हमने सीखा जर्नल बेयरिंग के असेंबली के बारे में, कल हम सीखेंगे सॉलिड मैप कपलिंग की असेंबली। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग.